आई विनोद यादव वेलकम यू ऑल अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल बीएन केमिस्ट्री। इस लेक्चर के अंदर मैं आपके साथ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का कोई लेक्चर डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। इस लेक्चर के अंदर मैं करूंगा आपके साथ सॉल्यूशन चैप्टर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक नॉर्मैलिटी, क्योंकि वो मेरे लेक्चर्स में से मिस है। ठीक है जी, तो देखिये नॉर्मैलिटी जैसे मेरे बोर्ड पे लिखा हुआ है और ये दो न्यूमेरिकल्स लिखे हैं जो इसकी थोड़ी डिस्कस करने के बाद मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। क्लियर हो गया? तो देखिए नॉर्मैलिटी होती क्या है पहले वो पता कर लेते हैं। सिंबल एन होता है नॉर्मैलिटी का, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स किसके सॉल्यूट के डिसॉल्वड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, डिसॉल्वड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। पर देखिए न्यूमेरिकल के अंदर क्या करेगा, सॉल्यूशन की जो वॉल्यूम देगा वो मिलीलीटर में आपको देगा। किसमें देगा? मिलीलीटर में। तो या तो पहले उस मिलीलीटर का लीटर बना लो या फिर जैसा उसने दिया आप वैसा रख लीजिए। वैसे देखिए आपने देखा भाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर में, और लीटर बनाने के लिए इस वॉल्यूम को हजार से डिवाइड करोगे वो हजार ऊपर चला जाएगा सॉल्यूशन के दौरान। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना नॉर्मैलिटी का, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर इनटू 1000। ठीक है, अब जैसे मोलैरिटी क्या था, मोलैरिटी था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, बाकी सब सेम ही है। तो मोल हम कैसे निकालते थे? मोल निकालते थे मास अपॉन मोलर मास। ऐसे ग्राम इक्विवेलेंट्स में निकलेगा आपका मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, सॉल्यूट का इक्विवेलेंट मास। अब देखो मोलर मास तो आराम से निकल जाता था, मैं जो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताऊंगा तो उसके अटम के मास को आप ऐड कर देते थे, पर इक्विवेलेंट मास कैसे निकलता वो देख लें। अभी इक्विवेलेंट मास निकलता है मोलर मास अपॉन, आप देखिए मैं बॉडी कहूंगा वैलेंसी, ये मेरे अपने खुद का वैलेंसी, वैलेंसी से मेरा मतलब क्या हुआ समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले सवाल में आपको ये देखना है कि जो सोल्यूट है उसका नेचर कैसा है। सोल्यूट का नेचर से मेरा मतलब है कि अगर सोल्यूट एसिड है तो एसिड है तो उसकी बेसिसिटी भी होगी कुछ ना कुछ। तो अगर ये इक्विवेलेंट मास आप किसी एसिड का निकालते हो, सोल्यूट अगर एसिड है तो वैलेंसी जगह हो जाएगा बेसिसिटी, क्या हो जाएगा? बेसिसिटी। क्लियर हो गया? एसिड की बेसिसिटी क्या होती है पता होगा मेरे ख्याल से आप सबको, कि जितने भी उसमें एच प्लस रिलीज करने लायक है वो वैल्यू आपने लिखनी है। अगर आपका गिवन सॉल्यूट बेस है तो यहां हो जाएगी एसिडिटी, क्या हो जाएगी? एसिडिटी। लेकिन मान लीजिए अगर आपका गिवन सॉल्यूट कोई साल्ट है उस केस में आप क्या प्रूफ करेंगे? उस केस में आप क्या करेंगे, साल्ट का जो पॉजिटिव आयन है उस पॉजिटिव आयन के ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज है, कितना पॉजिटिव चार्ज है वो वैल्यू पुट करनी है। पॉजिटिव चार्ज ऑफ कटायन साल्ट के अंदर, जैसे एन ए प्लस एक है तो आप वन पुट कर दोगे, अगर आपको एन ए सी एल दे रखा हो तो सॉल्यूट, एम जी सी एल टू अगर दे रखा हो एम जी प्लस टू बनाता है तो यहाँ पे टू पुट कर दो। इस तरीके से आपने फाइंड आउट करना है। तो यानी मेरा कहने का मतलब है नॉर्मैलिटी के किसी भी सवाल के अंदर पहले आपको ये निकालना है, फिर आपको ये निकालना है, लास्ट में निकलेगी आपकी ये। लेकिन देखो मैं एक और तरीका बताऊंगा, आसान सा तरीका, कि अगर आप गिवन सॉल्यूट की मोलैरिटी निकाल लेते हैं, पहले क्या निकाले मोलैरिटी, और बाद में आपको शायद फॉर्मूला याद होंगे, अगर आपका गिवन सॉल्यूट एसिड है तो नॉर्मैलिटी क्या होती है, मोलैरिटी इनटू बेसिसिटी। मोलैरिटी आप निकाल चुके हैं, बेसिसिटी फॉर्मूले से देख लेना और नॉर्मैलिटी वैल्यू निकल जाएगी। अगर आपका गिवन सॉल्यूट एसिड बेस है ना, सॉरी एसिड है, तब हो जाएगी आपकी उसकी बेसिसिटी। तो H2SO4 की बेसिसिटी कितनी है? 2, HCl की बेसिसिटी कितनी होती है? 1, इस तरीके से। ठीक है, और वही अगर आपका साल्ट है तो फिर ये पॉजिटिव चार्ज का कटायन है, जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी वैल्यू क्या पुट करके नॉर्मैलिटी डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो मैं दोनों मेथड से आपको दोनों सवाल करके दिखाऊंगा और आप देखेंगे कि आंसर बिल्कुल सेम टू सेम आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, तो देखो जरा इसको ध्यान से एक बार इस सवालों को। पहला न्यूमेरिकल मैंने क्या लिखा है उसको देख लेते हैं पहले। ठीक है, इस साइड देखिए, पहले
we have to calculate normality of a 1250 milliliter solution containing 31.5 gram of hydrated oxalic acid. अब देखो गिवन क्या कह रहा है, एक तो है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्या गिवन है वॉल्यूम किसकी सॉल्यूशन की, कितनी है 1250 मिलीलीटर। दूसरा है सॉल्यूट दे रहा है ऑक्सैलिक एसिड, उसका मास आपको दे रहा है मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, सॉल्यूट है ना ये 31.5 ग्राम, और निकालनी आपको नॉर्मेलिटी। तो जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, सबसे पहले आप निकालेंगे इसका इक्विवेलेंट मास, क्या निकालोगे इक्विवेलेंट मास, क्या होता है वो मोलर मास अपॉन, फिर मैंने बताया था कि एसिड ये सॉल्यूट का नेचर कैसा एसिड, तो इसकी देखेंगे बेसिसिटी, क्या देखेंगे बेसिसिटी, और सबसे पहले इसका मॉलिक्यूलर मास जब आप फाइंड आउट करोगे इस फॉर्मूला की मदद से तो आएगा 126, पहले बता रहा हूं आपको, ये आप करके देख लीजिएगा भाई। H2 का 18 होता है, 18 × 36 प्लस में O का 16 होता है, 16 × 64 और 24 कार्बन का और 2 इसका, जिनको ऐड कर दोगे तो सारा आएगा आपका 126। और ऑक्सैलिक एसिड की बेसिसिटी ये दो हाइड्रोजन एटम्स है, फॉर्मूला लिख के देख लीजिए COH, ये दोनों एच रिलीज करेगा, ये तो 2H2O है आपका, क्लियर हो गया आपको 2, तो कितना हो गया 63 इक्विवेलेंट्स, ठीक है। अब आप निकालेंगे आप ग्राम इक्विवेलेंट्स, क्या निकालेंगे ग्राम इक्विवेलेंट्स, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऐसे निकालते हैं जैसे हम मोल निकालते थे, मोल का फॉर्मूला क्या होता था मास अपॉन मोलर मास, तो यहां होगा आपका मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, मास कितना दे रहा है 31.5 ग्राम, यूनिट मास आपने भी निकाला 63, तो ध्यान से देखो ये इसका डबल ही है 1/2 0.5 ग्राम इक्विवेलेंट्स, ठीक है जी। अब लास्ट में हम निकाल देना नॉर्मेलिटी, फॉर्मूला जरूर पुट करना है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ दिस सॉल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ दिस सॉल्यूट, वॉल्यूम मिलीलीटर में दे रहा है वो, इंटू में 1000, तो ग्राम इक्विवेलेंट कितना है 0.5 इंटू 1000 और वॉल्यूम दे रहा है 1250, तो जैसे कट वगैरह हम कर लेंगे इस पॉइंट को हटा दीजिए, ये भी गई यहां से, यानी कि ये आया आपका कितना आएगा ये 50/125, तो आंसर कुल मिला के 0.4 एन कुछ आ रहा है आपका, ठीक है जी। इतना नॉर्मल लग रहा है 0.4 एन लिख दीजिए या फिर ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर लिख दीजिए। अब देखो इसी सवाल को मैंने दूसरा जो मेथड बताया था मोलारिटी पहले निकाल देते हैं, क्या निकालते हैं मोलारिटी, तो ये इसी सवाल का सोल्यूशन यहां भी कर रहा हूं, देखो मोलारिटी क्या होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें मिलीलीटर में इंटू में 1000, तो पहले मोल्स निकाल लेते हैं ऑक्सैलिक एसिड के, मास अपॉन मोलर मास, ठीक है मास कितना दे रहा है 31.5 और मोलर मास मैंने बताया था आपको कितना 126, तो ये आपका 1/4 कुछ आएगा, ठीक है जी। तो 1/4 का कितना आएगा 0.25, ये मोल्स आ गए आपके, इसको इसमें पुट कर देते हैं मोलारिटी में 0.25 1250 इंटू में 1000, इस पॉइंट को अगर मैं हटा देता हूं तो 2 0 यहां गई, ये 3 0 हो गए साफ यहां से, तो 25/125 का आंसर कितना आता देखते हैं भाई, ठीक है सॉल्व करके, तो इसका सोल्यूशन करने के आपका आंसर आएगा 0.2, ठीक है जी 0.25 कुछ आएगा 0.2 आ रहा है आपका मोलारिटी। अब मोलारिटी का होता है नॉर्मेलिटी में, तो एक कौन सा रिलेशन लगाऊंगा नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू बेसिसिटी, क्योंकि आपका सोल्यूट एक एसिड था, तो मोलारिटी आ गई आपकी 0.2 और उसकी बेसिसिटी मैंने यहां बताया था 2 ही थी, तो आंसर कितना आएगा 0.4 N, तो देख लीजिए आप ये दोनों आंसर सेम ही आ रहे हैं, आप किसी भी तरीके से करके आ जाइए आपके मार्क्स कहीं नहीं कटने वाले हैं, ठीक है।
तो भाई ये सवाल समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। आपका अगला न्यूमेरिकली लिखा हुआ मैंने, यू हैव टू कैलकुलेट द नॉर्मैलिटी ऑफ 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्वड इन 250 मिलीलीटर सॉल्यूशन। इसको दोनों तरीके से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा ये भी। देखिए आसान सा न्यूमेरिकल है, तो सबसे पहले निकालें इक्विवेलेंट मास किसका, NaOH का। तो वो क्या बताया था मैंने, मोलर मास और इस बार क्या होगा एसिडिटी, क्या होगा एसिडिटी क्योंकि बेस है, ठीक है। वॉल्यूम मास इसका होता है 40, क्योंकि 23 सोडियम का मास है, 16 O का मास है और H का मास है, टोटल हो गया 40 अपॉन 1, एक ही OH है इसके पास, तो ये हो गया 40 इक्विवेलेंट्स, ठीक है जी। अब निकालेंगे सेकंड स्टेप में ग्राम इक्विवेलेंट्स, क्या निकालेंगे ग्राम इक्विवेलेंट इसी NaOH की, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, मास कितना दिया 4 और ये दिया 40, 1/10 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट आ गया आपका, ठीक है। और लास्ट में आप निकालने की इसकी नॉर्मैलिटी, फॉर्मूला रिपीट नहीं कर रहा हूं मैं, ग्राम इक्विवेलेंट कितना है 0.1, वॉल्यूम दे रहा है 250 इंटू 1000, आसानी से वाला है तो 0.4 एन लिख दो या फिर 0.4 ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर, दोनों ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसी सवाल को दूसरे तरीके से भी कर लेते हैं, जैसे मैंने बताया था आपको, पहले निकाल दो मोलारिटी, क्या निकाल दोगे मोलारिटी, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स किसके NaOH के, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम किसमें सॉल्यूशन की, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें मिलीलीटर में इंटू 1000। तो पहले मोल्स निकाल लेते हैं, NaOH मास अपॉन मोलर मास, तो मोलारिटी बताया था सर आपको मैंने, मास कितना दे रखा है 4 अपॉन 40, 1/10 0.1, ठीक है जी। तो मोल निकल के इस वैल्यू की आउटपुट करेंगे तो मोलारिटी आपकी हो जाएगी 0.1 अपॉन 250 इंटू 1000, तो मोलारिटी कितनी आएगी 0.4 m। अब इस मोलारिटी को बदल देंगे नॉर्मैलिटी के अंदर, उसके लिए ऊपर कर रहा हूं जगह खाली है, तो फॉर्मूला क्या लगाऊंगा, नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू, क्योंकि बेस है ना ये एसिडिटी, मोलारिटी आपकी आती है 0.4 और फॉर्मूले के हिसाब से इसकी जो एसिडिटी है कितनी है 1, तो नॉर्मैलिटी भी कितनी हो जाएगी 0.4 m या फिर 0.4 ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर। तो इस तरीके से आपका ये टॉपिक खत्म होता है मेरी तरफ से। आपके पास एनसीईआरटी की बुक हो या कोई भी रेफरेंस बुक हो, सैंपल पेपर हो, वहां से आप ये जितने भी मेथड्स हैं, चाहे वो नॉर्मैलिटी हो, चाहे मोलैरिटी हो, चाहे मोल फ्रैक्शन हो, इन सबकी आप प्रैक्टिस कीजिए। जितना अधिक आप प्रैक्टिस करेंगे ये चीजें आपके कमांड में आ जाएंगे आराम से, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में भी इनसे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो अगर आपको लेक्चर मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज लेक्चर को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल विन केमिस्ट्री। थैंक यू वेरी मच।